नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। आज विशेष की शुरुआत हम करेंगे पाली के जैतारण से, जहां अतीत का सुनहरा इतिहास खत्म होता जा रहा है। राजपुताना शूर वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में वीरों की शौर्य गाथा फैली है। मारवाड़ साम्राज्य के वीर प्रतापी शासक राव जैता और कूपा ने मुगल शासक शेर शाह सूरी को भी दांतों चने चबवा दिए थे और सूरी सदा के लिए राव जैता और कूपा का मुरीद हो गया था। लेकिन आज पर्यटन विभाग की उपेक्षा के चलते यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व ही संकट में है। राजपुताना शूर वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ की धरा को वीर प्रसुदा भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी के कण कण में वीरों की शौर्य गाथा फैली है। मारवाड़ साम्राज्य के वीर सेना नायक महापराक्रमी सोजत उपखंड के बगड़ी नगर क्षेत्र के शासक राव जैताजी राठौर का जन्म सन 1497 में हुआ था। दिल्ली के मुगल बादशाह शेरशाह सूरी ने अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए राजस्थान में प्रवेश किया था। शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के साथ मारवाड़ पर आक्रमण किया था और उस समय मारवाड़ की आन और बान के लिए राव जैता और कूपा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 12,000 सैनिकों के साथ पाली के रायपुर मारवाड़ तहसील के गिरी व सुमेल में शेरशाह सूरी के 80,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया था। पराक्रमी राव जैता और कूपा ने केवल 12,000 सैनिकों के साथ ही सूरी के 80,000 सैनिकों को नाको चन्ने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आखिर में राव जैता सन 1943 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में राव जैता के पराक्रम ने शेरशाह सूरी को भी अपना मुरीद बना लिया था। युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मारवाड़ में मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। ये युद्ध आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। सेनानायक महापराक्रमी राव जैता और कूपा की ये जो रणस्थली है, यहाँ पे शेरशाह हिंदुस्तान का शहंशाह शेरशाह सूरी था, उनसे इन्होंने जैता और कूपा ने लोहा लिया था। और साथ ही ये बहुत ही प्राचीन रणस्थली है। यहाँ जो बनी हुई जो छतरियाँ हैं, आज ये दुर्दशा के शिकार हो रही है। पर्यटन जो विभाग है इस छतरियों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये छतरियाँ हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर पड़ी है। यदि पर्यटन विभाग इनके ऊपर कुछ खर्च करता है और इन छतरियों का पुनः निर्माण करता है तो ये पर्यटन स्थल के ऊपर उभर कर आएगा। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आएंगे जिसमें राजस्व आमदनी भी होगी, हम राजस्थान का नाम भी होगा। प्रजा प्रेमी राव जैता जी ने मारवाड़ की सेवा और मातृभूमि के लिए कालांतर में 52 बार युद्ध किए थे और अपने पराक्रम से दुश्मनों को भी अपने मुरीद बना लिया था। लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग ने आज तक इस जगह पर किसी तरह का विकास नहीं किया है। गिरी गांव से मात्र 1 किलोमीटर दूर गांव के तालाब के किनारे इनकी बनी छतरियां ही इतिहास के झरोके से अपने सुनहरे अतीत में झांक रही हैं, जो कि इस वीर मरु के सुनहरे अतीत को अपने में समेटे हैं। लेकिन उस जगह पर आज भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ राजपूत जाति के लोग ही इस विरासत को बनाए हुए हैं। यदि पर्यटन विभाग की नजरें इस अतीत पर पड़े तो ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर सितारा बनकर उभर सकता है। यदि पर्यटन विभाग ध्यान दे तो यहाँ भी रोजाना हजारों पर्यटक आ सकते हैं, जिससे इतिहास के महान सपूतों की निशानियां अमर रह सके और साथ ही राज्य सरकार को राजस्व का भी फायदा हो। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो ये इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा और इससे जुड़ी निशानियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। मंदिर लोग कहकर गए हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चारों में ये खंडहर हो गया है और कुछ सरकार के पैसे लगे हैं। कई लोगों दान दाता ने ऊपर छतरियां भी बनाई है और भवन भी बना हुआ है, पर्यटन के स्तर के लिए लायक है। और गिरी नंदा बांध बना हुआ है, माता जी का मंदिर भी है पड़ोस में। और ये विकास के लिए ये छतरियां और सुरवीरों की छतरियों के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। मैंने ये
स्थली है, अगर पर्यटक विभाग इस ओर ध्यान दिया जाए देता है तो इसके बाद हजारों पर्यटक इधर आएंगे, उसे राजस्व आमदनी की भी होगी, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। मारवाड़ और मारवाड़ियों की शौर्य गाथाओं से भरी इतिहास की झलकियां अब खतरे में है और वर्तमान की दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पराक्रमी और शूरवीर राजाओं द्वारा बनाई गई इतिहास की झलक को प्रशासन भी अपने उदासीन रवैये से तबाह कर रहा है। जरूरत है तो बस इसे निखारने की। देखना होगा कि प्रशासन की दिव्य दृष्टि इस ओर कब तक जाती है। जैतारण से मनोहर सोलंकी की रिपोर्ट। देखा आपने किस तरह से राजपूताना शूर वीरों की जन्मभूमि आज खतरों के अस्तित्व में है। यहां की मिट्टी के कणकण में वीरों की शौर्य गाथा फैली है। मारवाड़ साम्राज्य के वीर प्रतापी शासक राव जैता और कूपा ने मुगल शासक शेर शाह सूरी को भी दांतों चने चबवा दिए थे। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोहर जी। मनोहर, राजपूताना शूरवीरों की जन्मभूमि है लेकिन आज ये अस्तित्व अपना खोती जा रही है, क्या कहना है इस पर? अनुपमा, ये जो रायपुर पंचायत समिति का एक गिरी सुमेल गांव है, मतलब गिरी गांव है, इस गिरी गांव के अंदर राव जेताजी थे जिन्होंने मुगल सम्राट मुगल शहंशाह शेरशाह सूरी से लोहा लिया था, लेकिन लोहा लेने के बाद में उनकी जगह जो बनी हुई छतरियां हैं जो आज भी पर्यटन और पुरातत्व विभाग की दुर्दशा के शिकार है, उस जगह कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई सरकार राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया है। और ये जो हमारी मारवाड़ की ये जो जन्मभूमि है ये हर समय सूरवीर की जन्मभूमि रही है। जी मनोहर, राव जैता और कृपा भी इसके मुरीद हो गए थे लेकिन अब इस स्थिति में इसकी बात की जाए तो पर्यटन विभाग का इस स्थिति के क्या ध्यान है? जी मनोहर, राव जैता और कृपा भी इसके मुरीद हो गए थे लेकिन अब इस स्थिति की बात की जाए तो पर्यटन विभाग का इस ओर क्या ध्यान है? इस ओर पर्यटन विभाग का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। यहाँ राजपूत समाज द्वारा ही एक संस्था बना रखी है, वो ही इस जगह की सार संभाल करते हैं, लेकिन ये जो पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग की इस तरफ किसी प्रकार से नजर नहीं है। या हर बड़ा राजनेता इस जगह आया हुआ है लेकिन इस तरफ किसी भी प्रकार की कोई विकास की बात नहीं कही गई है। यहाँ मात्र दो छतरियां बनी हुई है और एक बड़ा फल बन रखा है लेकिन विकास की दृष्टि से इस जगह किसी भी प्रकार से कोई भी निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। जी बिल्कुल मनोहर, आज पर्यटन विभाग की उपेक्षा के चलते यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व ही संकट में पड़ता जा रहा है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोहर। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और वहीं जैतारण के निमाज कस्बे का हजारों वर्ष पुराना मगर मंडी माता का मंदिर भी आज प्रशासन के उदासीन रवैये का शिकार हो रहा है। एक ऐसा मंदिर जिसकी कलाकृति अपने आप में अनूठी है लेकिन महमूद गजनवी ने हिंदू आस्था के इस प्रतीक को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाली के जैतारण उपखंड के निमास कस्बे से मात्र 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक मगरमंडी माता का मंदिर आज पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1025 यानी 1300 वर्ष पूर्व हुआ था और इस मंदिर निर्माण में बनाई गई मूर्तियों में बारीकियों से कलाकृति की गई थी जो कि अभूतपूर्व है। लेकिन 1300 वर्ष पूर्व मुगल शासक मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान में हिंदुओं के आस्था स्थलों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
गजनवी की नजरों में राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और उसने प्रदेश में भी कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें मगरमंडी माता मंदिर भी शामिल है। गजनवी की सेना ने जब इस मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय यह विशालकाय मंदिर था, जिसे गजनवी ने पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण कर दिया और मंदिर में लगी सभी मूर्तियों को तोड़कर खंडित भी कर दिया गया था। समय पर असामाजिक तत्व यहाँ आते जाते हैं तो मतलब उनके मुंह पे लिखा हुआ नहीं होता है यह असामाजिक तत्व है, वो कभी भी ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। इस मंदिर और मास के बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया? हमने कई बार अवगत कराया अधिकारियों को भी, यहाँ पे ये चीजें चल रही है सब, विभाग से यहाँ बोर्ड लगा करके उसके ऊपर जो है ये मतलब लिखे हैं कि मतलब यहाँ पे मदिरा सेवन करना वर्जित है और बाहर जाके उपयोग करें, सड़ाने का कोई ऐसी बात नहीं है, सड़ाओ आप मंदिर में, लेकिन उसका उपयोग जो है बाहर जाके करें। गजनवी के आक्रमण को तो सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन देश और राज्य सरकार के हुक्मरानों ने भी इतने सालों के बीच जाने के बाद भी इस ऐतिहासिक धरोहर की कोई सुध नहीं ली। ज्यादातर मूर्तियां आज भी बाहर ही बिखरी पड़ी हैं, वहीं मंदिर की सुरक्षा दीवार भी नीचे होने से यहां बनी दुर्लभ मूर्तियों की चोरी का भय भी हमेशा बना रहता है। पूर्व में भी बामन नारायण घिया की मूर्ति भी चोरी हो गई थी, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों में है। ये मंदिर आज भी अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर तस्करों की नजर में है, लेकिन प्रशासन फिर भी आंखें मूंदे बैठा है और मंदिर की सुरक्षा महज दो चौकीदारों के जिम्मे छोड़ रखी है। सर्वेक्षण ब्यूरो और राजस्थान सरकार की उपेक्षा के चलते निमाज स्थित मगरमंडी माता का मंदिर उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना नितांत ही आवश्यक है एवं इसको पर्यटन की विकास की दृष्टि से इसको पर्यटन मानचित्र पर उकेरा जाना भी आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा के चलते गोडवाड़ महोत्सव जैसे महत्वाकांक्षी पर्यटन मेले के अंदर भी इसका नाम शामिल नहीं किया गया। जैतारण क्षेत्र के अंदर मगरमंडी माता का मंदिर जो है वो अत्यंत ही पुरातत्विक वैभव का मंदिर है और इस मंदिर के साथ में लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई। कस्बे के पास में ही मगरमंडी माता का मंदिर है, वहाँ 1025 करीब 1300 वर्ष पूर्व मुगल सम्राट मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय मोहम्मद गजनवी था जो राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को क्षति पहुंचाने के लिए ही वो कार्य कर रहा था। तो ये निमाज कस्बे के पास में ही एक मगरमंडी माता का मंदिर था, यहाँ प्राचीन मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है उस मूर्ति को उसने खंडित नहीं किया था। आज ये मूर्तियां हैं जो सारी इस मंदिर परिसर के अंदर बिखरी पड़ी हुई है, आसमान तले ही ये मंदिर की जो प्राचीन मूर्तियां हैं धूल फांक रही है। ये पुरातत्व विभाग है जो इन मूर्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रहा वह न ही इनको किसी उचित संरक्षण प्रदान कर रहा है। मैं मनोहर सोलंकी, HBC न्यूज, जैतारण। फिलहाल वक्त हो गया एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे पर्यटन स्थलों की, जिनकी विरासत आज खतरों में है और पर्यटन विभाग बड़े बड़े दावे करता है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वर्षों से चला आ रहा ये सिलसिला बजट के अभाव में दम तोड़ता दिख रहा है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से अब तक उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं, लेकिन इस साल विभाग के पास सरकार की ओर से बजट नहीं आने से अब तक किसी भी आयोजन की तैयारी नहीं हुई है। कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने से उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी निराश नजर आ रहे हैं। वहीं विभागीय सहायता नहीं मिलने से उनकी तरफ से होने वाला कार्यक्रम भी फीका ही नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारी विभाग को बजट नहीं मिलने की बात को दबे स्वर में कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कार्यक्रम के लिए विभाग को मिलने वाला बजट उदयपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए समायोजित कर लिया गया है। उधर उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के